ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀ ਸਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਬਤਾ ਬੰਦ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਣਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है मैं एकदम से अपनी हिमाचल की सीरीज़ में ये वीडियो ला रहा हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा सा शौक लगेगा, बट जो बात है मैं दिल्ली में आ चुका था, ठीक है, और ये वीडियो मैं कहीं पे मैं ट्रैवल नहीं कर रहा। अब भी मैं बस जो इमोशंस है ये मैं वो दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और इस वीडियो को आप गलत वे में नहीं लेके जाना, ठीक है गाइज। मेरे से एक ये रिक्वेस्ट है, जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ उसमें ना कोई रिलीजन मैटर करता है, किसी धर्म जात कुछ भी मैटर नहीं करता। ये हर एक इंडिविजुअल की लड़ाई है, और जैसे कि जो भी होता रहेगा आप देखना जरूर, मेरे साथ बने रहें, मिलते हैं। जो बोले सो निहाल। आज तक कभी ये सुने, कभी न्यूज पेपर पढ़े हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होने के कारण किसानों को कितना लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? परम सम्मान योग संगत जी, ये जो पिछले कई दिनों तो ये जो किसानी संघर्ष किसान वीरां वालों सारे ही भारत दे विचों किसान पहुंच के इत्थे अपने हकां दी मंग दे वास्ते भारत सरकार दे नाल मोर्चा ला के बैठे हुए ने कि साडे हक सानू दिते जाण, अपने हक मंगण दे वास्ते इत्थे ये संघर्ष जिहड़ा ये किसान भरावां वल्लों विढ़िया गया है, ना कि इत्थे कोई खालिस्तानी ना कोई आतंकवादी। जिहड़े कह रहे ने कि इत्थे खालिस्तानी आण के बैठे ने, इत्थे आतंकवादी आण के बैठे ने, मैं दसना चाहवांगा उहनां नूं कि गुरु का खालसा आतंकवादी नहीं, ये सब की रखवाली करने वाला है। तो शांतमई ढंग दे नाल अनुशासन दे विच रह के अपनियां मंगां मंग रहे हाँ, तो सानू साडियां मंगां दित्तियां जाण, तो असीं इत्थों उठ के अपने घरां नूं जाइए, होर साडी कोई गल नहीं। असीं शांतमई ढंग दे नाल किसे दी शान दे खिलाफ नहीं, किसे दे विरुद्ध नहीं, शांतमई ढंग दे नाल असीं अपनियां मंगां मंग रहे हाँ, तो कृपा करके ये जिहड़ियां साडियां मंगां ने ये सानू दित्तियां जाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आप सभी ने देखा पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी किसी कारणवश, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे लोगों को आतंकवादी के नाम से जिहाद खालिस्तान मतलब पता कितने अनेक शब्दों से वहाँ पे जो दूसरी मीडियाज हैं वो उनको वैसे प्रेजेंट कर रही है। गाइस वहाँ पे जाके मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी वहाँ पर भी जाओगे ना ऐसा कुछ नहीं, और बड़ा ही पीसफुली से हो रहा है। वहाँ पे पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, जब किसान जहर खा के मर जाता है वो कोई कुछ नहीं दिखाता। अब वो इतनी रात में ठंड में अपने ट्रोले के नीचे जमीन पे सो रहे हैं वो कोई नहीं दिखा रहा। तो यार ये सब अच्छा नहीं लगता, और जब किसान सड़कों पे उतरते हैं यार आप सभी जानते हो कितनी बुरी हालत हो रही है यहाँ। उन सभी से मैंने बात करी, उन सभी का एक ही कहना है कि जो कानून लाए गए हैं सभी ने हाथ जोड़ के एक ही विनती करी कि ये कानून वापस नहीं जाए, जब वो खुद अपने घर जाना चाहते हैं। आप खुद ही समझ सकते हो कि वो उनके उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं फौज में। और रही बात MSP की, जो पहले पंजाब और हरियाणा को मिलती थी, अब उनकी मांग किसानों की क्या मांग है ये पूरे हिंदुस्तान में मिले। तो यार ये पंजाब और हरियाणा वाला कोई अपना तो फ़ायदा के लिए तो नहीं कर रहे, ये तो सभी के लिए कह रहे हैं कि यार सभी को अपना अपना हक मिले। किसानों के साथ बैठो, समझो, बात करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कुछ बातें हैं आप बात करोगे तभी आप हॉल पे निकल पाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं हुआ है। MSP का मामला वो पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं ही, और फसलों के रेट 15 साल के लिए लीज पे चली जाएगी उनकी खेती, और फिर जो
अडानी अंबानी होंगे वो उनको बताएंगे क्या करनी, किस बारे की खेती करनी है, किस बारे की नहीं करनी, ये सब अडानी अंबानी बताएंगे। तो मेरे को तो नहीं लगता जो किसान खुद इतने सालों से किसानी करता आ रहा है उसको अपना कोई और आके बता के जाए। तो अब जैसे कि मैं इतने इस टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, टीवी मतलब ये सब बना रहा हूँ वीडियोस, तो अगर मैं कोई मेरे को सिखाएगा कि अब यार तू ये नहीं कर वो नहीं कर, तो कहीं ना कहीं तो यार मुझे भी तो बुरा लग ही जाएगा यार। अब किसी भी को बोलेंगे हम पुलिस वाले को यार तू अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, हर कोई अपनी अपनी जगह बुरा लगता है यार। और किसी का हक मानना, और किसान की जो खेती होती है ना उसकी बेटी सम्मान होती है, उसकी इज्जत होती है, और अगर आप उसकी इज्जत उससे ले लोगे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये आप बड़े समझदार हो, बाकी अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप आगे वीडियो देखोगे कुछ समझदार हो, मिलते हैं। अपना प्लास्टिक का पूरा कंप्रेस्ड हो रखा है, रिसाइकल कर रखा है, मतलब प्लास्टिक की बोतल जो भी रिसाइकल हो सकता है प्लास्टिक उससे ये बनाया गया। और ये किस लिए बनाया गया, ये लेडीज़ के लिए टॉयलेट बना रखा है, और इसको भी हम बाद में दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो सारा काम वीर जी और इन भैया के साथ में हो रहा है, तो इनको यार सल्यूट है यार, सपोर्ट करो इन सबको, ठीक है। और बस एक अपना मैंने इमोशंस दिखाए कि यार मेरे को बुरा लग रहा है यार दिल से कि यार अपने किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये दिन मतलब अपना ऐसे बहुत गंदा दिन है, दुनिया का सबसे गंदा दिन। सो गाइस अजी आप इतने आए हो ऐसा तो आप सारे देखा कि मेरे हिसाब ना बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट नु सोचना चाहिए तो इस लॉ के बारे भी उन्हें डाउट क्लीयर कर देने चाहिए आ, तो फार्मर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वी सपोर्ट फार्मर्स एंड मैगजीन। तुसी जिन्ना हो सके इनू वध तो वध शेयर करो, मैं ये नहीं कह रहा यार कि लाइक करो कमेंट करो, जिन्ना हो सके शेयर करो, कि लोगों के मन में जो गलत भावना आ रखी है ना कि असी तक्का करते पे हैं, लोग इतने बहुत गलत हिंदू मुस्लिम का बना रखे है, तो ये मैसेज खत्म करने वास्ते उन्होंने लोगों के नाल वीडियो शेयर करो भाई। सही सही की बोले, हाँ जी बहुत वधिया, तो करते रहो तो सपोर्ट करो फार्मर्स की, तो मिलते फिर वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम।